हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एदेसी टेक्नोलॉजी में। आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे ड्यूअल यूएसबी पोर्ट मोबाइल चार्जर का। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मोबाइल चार्जर लेने जा रहे हैं और आप अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपका चार्जर ख़राब हो गया है तो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो आप कम से कम 2.4 से 3 एम्पियर का चार्जर ज़रूर खरीदे, उससे कम का ना ही खरीदे तो बेहतर है, क्योंकि वो आपका जो चार्जिंग है वो कंप्लीट नहीं दे पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका ड्यूअल यूएसबी पोर्ट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ आपके दो यूएसबी केबल लगाने के लिए ये पोर्ट दी हुई है। और इसमें आप फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप 2.4 के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड और स्मार्टफोन के लिए चार्ज करने के लिए। और ये नीचे वाली जो आप यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं, ये आप कोई भी नॉर्मल फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ आप 1 एम्पियर आपको ये यूएसबी पोर्ट मिलती है, और ये आपका 2.4 के लिए है, जो आपको ये आप स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में यूज कर सकते हैं। और इससे छोटे छोटे मोबाइल जो कि आपका 1500 mAh की जो बैटरीज होती है उसे चार्ज करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत है। और फ्रेंड्स, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो है 110 से 240 वोल्ट की, और आउटपुट है 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर, जो आपको ये दोनों यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए है। और इसकी क्वालिटी फ्रेंड DOE VI स्टैंडर्ड की है, और वोल्टेज इसकी बहुत ही बेहतर कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ बनाई गई है। और ये आपको वोल्टेज और करंट के लिए, ओवर हीटिंग और ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतर चार्जर है। और फास्ट चार्जिंग में भी ये काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई इस तरह के एक एक चार्जर लेते हैं, ये भी है 2.4 की, जो मैंने इसे भी 2 दिन पहले ख़रीदा था, जो कि मेरे स्मार्टफोन और इसमें जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जा रही है इसमें चार्ज करने के लिए, जो कि गैलेक्सी कंपनी की है। मैंने इसका यूज किया तो देखा इसमें चार्जिंग कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है। तो मैंने फिर से ये दूसरी ले करके देखा, दूसरे के मोबाइल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए ये जानकारी, कि ये बहुत ही बेहतर कंपनी का ये प्रोडक्ट है। हालांकि ये मेड इन चाइना है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, आप इसे यूज आराम से कर सकते हैं और अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और चार्जिंग की कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगे। तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।